हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप में से किसी को पाइल्स की दिक्कत है, चाहे वो बादी हो चाहे खूनी हो, या फिर आपको फिस्टुला है जो कि पाइल्स का बिगड़ा हुआ रूप होता है जिसमें डॉक्टर ऑपरेशन बोल देते हैं, उसका प्रॉपर इलाज कहाँ से आप करा सकते हैं, इस बारे में मैं बात करूँगी। साथ ही मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो लोगों ने मुझे बताए हैं, और कहाँ पर आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। और मुझे ये कमेंट आया था कि मैम फिस्टुला का कोई इलाज बता दीजिए जिससे फिस्टुला जड़ से ठीक हो जाए और ऑपरेशन की नौबत ना आए। तो उसके बारे में देखिए, मैं ये कहूँगी कि मैं कोई इसका ट्रीटमेंट तो नहीं बता सकती आपको, लेकिन मैं आपको ऐसी जगह बता सकती हूँ जहाँ पर आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं और बिना ऑपरेशन करा सकते। वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ही इन चीज़ों का इलाज करते हैं। साथ ही मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताने वाली हूँ आपको कि पाइल से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ का तो वो इलाज करते ही हैं। अगर किसी की किडनी 80% भी फेल हो गई है, उनका ट्रीटमेंट मैंने होते हुए वहाँ खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, लोगों को ठीक होते हुए देखा है, तो मैं उनके बारे में आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और उनका एड्रेस वगैरह सब बता दूँगी मैं आपको। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी को ज़रूरत है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जिस वक्त मैं स्लिप डिस्क में थी तो मैंने कई जगह पे ट्रीटमेंट लिया है, तो मैं वहाँ पर भी गई थी ट्रीटमेंट के लिए। देहरादून में ही एक जगह है प्रेमनगर में, और वहाँ पर अगर आप जड़ी बूटी फार्म करके सर्च करोगे, किसी से पूछोगे, तो आपको कोई भी एड्रेस बता देगा। साथ में मैं आपको ये बता दूं, अगर आप गूगल करते हैं, गूगल पर जाते हैं और वहाँ पर आप लिखते हैं जड़ी बूटी फार्म, ठीक है, तो आपको वहाँ पे आपको एकदम से गूगल जो है वो उनका पूरा वो दिखा देगा जड़ी बूटी फार्म का। और वहाँ जो मेडिसिन मिलती हैं वहाँ सिर्फ जड़ी बूटियाँ ही दी जाती हैं, एक झोला भर के, मतलब एक थैला भर के पूरा जड़ी बूटियों से भर दिया जाता है, और वो एक लिमिटेड रेंज में है, मतलब वो इतनी महंगी दवाई नहीं है, एक महीने की दवाई वो दे देते हैं, और बीच बीच में अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वहाँ पर वैद्य बैठते हैं, वैद्य पेन्यूली, और बहुत अच्छे वैद्य हैं, और आपकी नब्ज चेक करके आपकी तकलीफ़ बताते हैं, साथ में वो पूरा डिटेल आपको मेडिसिन के बारे में बताएंगे, आपको क्या परहेज करने हैं। हाँ, अगर वहाँ जाना है किसी को तो परहेज के लिए बहुत सख्त परहेज करते हैं, तैयार रहें, अगर आप परहेज कर सकते हैं तो ही आप वहाँ पर जाएं, अदरवाइज़ वहाँ मत जाएं, क्योंकि बहुत सख्त परहेज है उनका। तो पेट को ठीक करना है, पेट से जुड़ी बीमारियों को ठीक करना है, तो आपको परहेज तो करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारे एक रिलेटिव थे और उन्हें 5 साल से जो खूनी पाइल्स होती है वो थी उन्हें, और उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए थे, वो ठीक नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें किसी ने बताया था कि आप वहाँ चले जाओ। वहाँ गए वो और उन्हें 1 महीने की उन्होंने मेडिसिन दी थी, लेकिन वो उन्होंने बताया हमें कि मैंने सिर्फ 15 डेज ली उनकी मेडिसिन, सिर्फ 15 दिन मेडिसिन ली और परहेज जो थे वो किए, और उनकी जो ये समस्या थी वो बिल्कुल दूर हो गई। तो जिनको पाइल्स है या फिस्टुला है या पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है जिसमें वो दवाइयाँ लेकर थक गए हैं या ऑपरेशन बता दिया गया है, तो मेरी यही सलाह है कि आप एक बार जड़ी बूटी फार्म जाएं और वहाँ की ट्रीटमेंट लेके देखें। अगर आपको आराम लगता है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि मेडिसिन आयुर्वेदिक हो या यूनानी थोड़ा वक्त लेती हैं, लेकिन आपको ये जड़ से तकलीफ को ख़त्म कर देती हैं। आपको ये नहीं होगा कि बार बार आपको जाना पड़े, आपको बार बार ये तकलीफ़ का फिर सामना करना पड़े, और ये मैंने वहाँ से कई लोगों को बताया, फिर कई लोग ठीक हो चुके हैं, इसलिए मैंने आपसे सोचा कि ये चीज़ शेयर कर दूँ। हो सकता है कि किसी को ना पता हो, एड्रेस मैं बता देती हूँ आपको कि अगर प्रेमनगर में जाते हैं, हम देहरादून ISBT से प्रेमनगर की बस लें, प्रेमनगर की तरफ जाते हुए वहाँ पर एक नदी आती है, वहाँ पर उतर जाएं पुल पर, और वहाँ से आप किसी से पूछेंगे तो आपको जड़ी बूटी फार्म का रास्ता
कोई भी बता देगा, अदरवाइज आप गूगल पर सर्च कर लें, उनका एड्रेस वगैरह वहां पे मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो जड़ी बूटी फार्म से रिलेटेड वीडियोस आपको काफी मिल जाएंगी, आप वहां देख सकते हैं। तो आपको अगर बिल्कुल आयुर्वेद के अनुसार चल रहा है, आप नेचुरल मेडिसिन के थ्रू जाना चाहते हैं और ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, तो आप प्लीज एक बार कंटिन्यू करके देखें वहां मेडिसिन। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे इलाज के दौरान वहां पर कुछ ऐसे लोगों की मेरी मुलाकात हुई, ऐसे लोगों से जिनकी किडनी 80% तक फेल हो गई थी, लोग कंधों पर डालकर उन्हें वहां लेकर आए थे और उन्होंने बताया था कि मुझे कंधों से उठा के लोग लेकर आए थे यहाँ पे, मतलब जितने रिश्तेदार थे वो सब देख के जा चुके थे कि अब तो ये बचेगा नहीं, हड्डियां निकल गई थी बिल्कुल, खाना पीना छूट गया था। तो उनका ट्रीटमेंट वहाँ से चल रहा था और वो हरियाणा से आते थे, वो पता है कि जहाँ से आपको आराम मिलता है, आप लोग कहीं से भी हों वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो वो ठीक हो गए थे, उनके उनकी तकलीफ बहुत कम थी, उनका शुगर बिल्कुल मेंटेन हो गया था जिनसे मैंने बात की थी, और उनकी ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है। तो अगर कोई पेशेंट मुझे ऐसा मिलता है जिसके जिसका शुगर लेवल हाई है या जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, तो मैं उनका एड्रेस ज़रूर बताती हूँ, और मैं यही काम तो यहाँ पे कर रही हूँ। अगर मेरे पास कोई इलाज है तो मैं वो आपको बताऊँगी, और अगर मेरे पास नहीं है और मुझे उसकी जानकारी है तो मैं वो आपको ज़रूर दूंगी। तो उससे अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उठा सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।